नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यू टेक्निकल राज में आपका स्वागत है। आज ये आधा HP की एक टिल्लू मोटर है, जिसे मोनोब्लॉक भी बोलते हैं। इसके थ्री वायर कनेक्शन किस तरह से करने हैं ये सिखाएंगे। ये आधा HP है, आप चाहे तो डेढ़ HP या दो HP जिसमें कैपेसिटर लगा हो, वो कोई सी भी मोटर हो, उसके कनेक्शन इसी तरह से करने हैं, ये इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो चैनल पर पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें चार वायर निकले हुए हैं, दो रनिंग के हैं और दो स्टार्टिंग के हैं। ये क्रॉम्पटन की मोटर है, आधा HP की है, ठीक है, और 220 वोल्टेज पर ये रन करती है। रनिंग में वायर हमने इसमें 25 नंबर इस्तेमाल किया है और स्टार्टिंग में हमने 28 नंबर गेज इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसकी अगर वाइंडिंग का आपको पूरा वीडियो देखना है, जिसमें हमने क्वाइल बनाना सिखाया है कि क्वाइल का साइज कैसे निकालेंगे और किस तरह से क्वाइल बनाएंगे, ठीक है, उसका पूरा वाइंडिंग डाटा दिया हुआ है। वो आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे भी जरूर देखें, अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हम इस पर इन वायरों पे लिख लेते हैं कि कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। रनिंग का है उस पर आर बनाएंगे, स्टार्टिंग पे एस बनाएंगे। ये रनिंग का है तो इस पर आर बना दे रहे हैं और ये वाला भी रनिंग का है, इस पर भी आर बना दे रहे हैं और ये स्टार्टिंग का है और ये वाला भी स्टार्टिंग का है, ठीक है। ये दो बार हमारे रनिंग के हो गए हैं और ये दो बार हमारे स्टार्टिंग के हो गए हैं। अगर मान लीजिए इसके कनेक्शन आगे की तरफ हैं, इस तरह से ये मोटर लगेगी इसमें, इस तरह से ये मोटर लगेगी इसमें, तो इसी तरफ के हम आपको कनेक्शन बता रहे हैं किस तरह से करेंगे। अगर ये वायर लीड के वायर हमारे पीछे से होंगे तो कनेक्शन दूसरी तरह के होंगे, इस तरह से नहीं होंगे। लीड के वायर अगर हमारे इस तरफ से निकले हुए हैं, जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से होंगे। ये रनिंग की है, ये रनिंग की है और ये स्टार्टिंग की है, ये स्टार्टिंग की है। तो रनिंग में हैवी गेज इस्तेमाल किया हुआ है, स्टार्टिंग में हल्का गेज होता है जो कैपेसिटर के लिए होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग ये वाले वायर, ठीक है, और इस तरफ रहेगा हमारा स्टार्टिंग का और इस तरफ रहेगा रनिंग का। ये हमारे इस मोटर के सीधे कनेक्शन हो गए हैं, ठीक है, ये कॉमन हो गया है। अगर लीड पीछे की तरफ है, मान लीजिए लीड पीछे की तरफ है, तो आप ये वाला एक साथ कर देंगे, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग का हो जाएगा और ये हमारा रनिंग का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉमन वायर हो गया और ये हमारा कैपेसिटर में लगेगा और ये कैपेसिटर और लाइट में लगेगा, ठीक है। तो हमारे आगे की तरफ वायर हैं तो हमारे कनेक्शन इस तरह से रहेंगे, जो भी हमने पहले बताए थे इस तरह से, ठीक है। ये इस साइड का हमारा रनिंग और इस साइड का स्टार्टिंग एक साथ रहेगा इस तरह से, अब इसकी जो आइसोलेशन है ये साफ कर लेते हैं और वायर इसमें जोड़ेंगे। ये आइसोलेशन रिमूवर है, यही ज़्यादातर हम फैनों में इस्तेमाल करते हैं, इससे आसानी से आइसोलेशन साफ हो जाती है, कोई भी समस्या नहीं होती है। ये हाथ से टच नहीं करते हैं, हाथ से टच करते हैं तो हाथ में जलन पड़ने लगती है। अब आपको दिख रहा होगा ये वायर, देखिए आप इसकी आइसोलेशन किस तरह से फूल गई है, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसे कपड़े की मदद से साफ कर देंगे। एकदम अच्छे से साफ हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब इसमें वायर जोड़ेंगे। ये हमारे वायर हैं, नीला वायर हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने इस पे स्लिप चढ़ा रखी है पूरे पे, तो ये हमारा नीले वायर की जगह पे काम करेगा। ये हमारा रेड वायर हो गया है, ये हमारा येलो वायर हो गया है, तो येलो वायर हम इस पे लगाएंगे। इस तरह से बीच में करके ये बीच में इस तरह से रखेंगे, ये ना ही खिंचता है और ना ही हीट होता है, इस तरह से कनेक्शन बन जाते हैं और ना ही मोटा होता है कि ये स्लिप चढ़ाने में दिक्कत हो, इस तरह से। चाहे तो आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम कनेक्शन करते हैं आज तक कोई भी कनेक्शन जला नहीं है मेरा, तो हम इसी तरह से करते हैं। अब ये ब्लू वायर की जगह पर जिस पे हमारी स्लिप चढ़ी हुई है ये वाला हम लगाएंगे। ये हमने 1.5 mm कॉपर वायर इस्तेमाल किया है जो हैवी गेज में है। अब ये रनिंग का वायर है, ये हम रेड वायर में जोड़ेंगे। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे इसकी सेपरेट लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ से ये स्लॉट में जो हमने पीवीसी लगाई हुई है, पीवीसी है कुछ ऊपर की तरफ है, इसे अच्छे से हम अभी बिठाएंगे। तो उससे पहले हम इसे, इसके कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग के शॉर्ट ना हो इस वजह से सेपरेट लगाएंगे। इस तरफ हमने बांध ली है, अब इस तरफ भी हम यही करेंगे, ये तो आप कर लेते होंगे। चलिए इसे हम बांध लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये पीवीसी किस तरह से आपको बिठानी है कि रोटर में कहीं पे टच ना हो। ये हमारी मोटर बंद चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो स्लॉटों में हमने पीवीसी ऊपर से डाली थी ये वाली दबाएंगे, ठीक है, बिल्कुल मोटर के इस तरह से देखेंगे कि हाथ में टच नहीं होनी चाहिए उंगली में, ठीक है, इस तरह से दबाएंगे। जिस तरह से हम दबा रहे हैं इसी तरह से आप दबाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दबाएंगे, हम दबा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या करना होता है, उसके बाद आप वार्निश डालेंगे। ये हमने इस तरह से सारी कॉइलों की पीवीसी दबा दी है, ठीक है। अगर ना दबे क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा है, तो ये स्टेबलाइजर की जो बाबिन आती है उसी की ये सीट है, इसे जो स्लॉट के अंदर चलनी जानी चाहिए इस हिसाब से होनी चाहिए। तो हम इस पे इसी से रख के इस तरह से हथौड़ी से प्रेस कर देंगे, ठीक है, सारी पीवीसी अंदर हो जाएगी, कोई भी बाहर नहीं है। देखिए इस तरह से आप टेस्ट करेंगे,
ये हमारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब हम मोटर को इसकी अर्थिंग टेस्ट करेंगे और क्वांटिटी भी देखेंगे सही से आ रही है कि कोई बॉडी में अर्थ तो नहीं है, नहीं तो वार्निश डाल देते हैं उसके बाद फिर समस्या हो जाती है। ये हमारा कॉमन वायर है, इससे लेकर कोई अर्थिंग नहीं है। अब इसकी क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है हमारी रनिंग में क्वांटिटी आ रही है। अब स्टार्टिंग की क्वांटिटी देखेंगे, हमारी स्टार्टिंग में भी क्वांटिटी आ रही है, मोटर हमारी सही से है, ठीक है। अब हम इसमें वार्निश डालेंगे और 3-4 घंटे बाद इसमें हम फिट करेंगे। अब आपको यहीं से हम कनेक्शन बता दे रहे हैं किस तरह से रहेंगे। ये हमारा इसमें 10 MFD कैपेसिटर लगता है, ये हमारा कॉमन वायर है और ये हमारा रनिंग का वायर है। ये रनिंग के वायर में एक कैपेसिटर का वायर जोड़ेंगे और एक स्टार्टिंग के वायर में जोड़ेंगे, ठीक है इस तरह से। और इसे यहाँ पे बंद कर देंगे टेप से। अब एक लाइट का हम इसमें लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, ठीक है। और मोटर हमारी इस तरह से घूमेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। पीछे की तरफ देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाएगी, आगे की तरफ देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हम बनाकर दिखाते हैं। कोई भी समस्या हो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।